subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कुछ लोगों को गुड आफ्टरनून और कुछ लोगों को गुड इवनिंग, क्योंकि आज का पूरा दिन ही हम लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है। आज हमारे राष्ट्रपिता जो आपके गांधी जी हैं और जिनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका जन्मदिवस है। साथ ही साथ भारत के एक और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है। तो दोनों लोग को तो पहले जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां आज भी हम लोग देते रहेंगे, और अनवरत ढंग से जब तक भारत है हम हैं तब तक सभी उन दोनों लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर डेडिकेटेड होगा? गांधी जी के ऊपर। चूंकि 2 अक्टूबर है यार, सबकी स्वतंत्रता है, सभी के लिए एक अच्छे साम्राज्य की कल्पना की थी, राज की कल्पना की थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बचपन में संघर्ष के लिए बहुत जाने गए। उनके बारे में ये कहा जाता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो वाराणसी के थे, वो गंगा नदी वाराणसी में फ्लो करती हैं और वाराणसी में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे मदन मोहन मालवीय जी ने बसाया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो नाव का किराया देके गंगा जी पार करके BHU जा सकें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जा सकें अपने स्टडी के लिए। तो वो अपने कापी किताब को, ऐसा वहाँ कहा जाता है और ये सत्य भी है, कि एक पॉलीथीन में रैप करके अच्छे से पैक करके और गंगा जी को तैर के पार करते थे और डेली अपने कॉलेज BHU को अटेंड करते थे। तो हम लोग उस महान देश में रहते हैं यार, जहाँ मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, कारण आज सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को डेडिकेट किया जाएगा और उनके प्रमुख आंदोलन पढ़ा जाएगा। बस आज का जो 20 से 25 मिनट है दोस्तों, आपको सिर्फ गांधी जी के आंदोलन बताऊंगा। ये नहीं कि मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और उनके फैक्ट्स पे केंद्रित रहेगा। तो चलिए जुड़ जाते हैं और पहला शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जुड़े रहिए, आनंद लीजिए, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों आपको नहीं भूलना है। चलिए, गांधी जी, आप जानते हो कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गांधी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 2 अक्टूबर 1869, यहाँ से इनके लाइफ की जर्नी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब मैंने पहले ही कहा है कि इनके सिर्फ प्रमुख आंदोलन की बात करेंगे, तो इनके जीवन में, हालांकि 1893 में साउथ अफ्रीका गए अब्दुल्ला एंड कंपनी के डिमांड पे, वो सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, लेकिन आज सिर्फ आंदोलन। तो इनके जीवन का भारत में जो पहला आंदोलन था दोस्तों, वो था 1917 ईस्वी में। इस आंदोलन को दोस्तों हम लोग तीन कठिया आंदोलन कहते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, तीन कठिया आंदोलन, या फिर इसे हम चंपारण आंदोलन कहते हैं, चंपारण आंदोलन। जरा इसके बारे में सुन लेना, चंपारण आंदोलन क्या था ये आंदोलन दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देख लो। एक्चुअली बिहार में एक जिला है चंपारण, चंपारण में एक व्यक्ति हुआ करते थे राजकुमार शुक्ला, और वहां दिक्कत क्या थी, राजकुमार शुक्ला जी, जैसे राजकुमार शुक्ला जी, ये इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इस आंदोलन की। एक्चुअली वहां दिक्कत क्या थी दोस्तों, कि अंग्रेज कहते थे, जैसे हम लोग खेत को बीघा बिस्वा या एकड़ में मापते हैं ना, इतने बीघा इतने बिस्वा इतने एकड़ है, तो अंग्रेज जमींदारों से और जमींदार किसानों से कहते थे कि जितना भी तुम्हारा खेत है उसके 3/20 पार्ट्स पे आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी, नील की खेती। तो नील की खेती करने से दोस्तों क्या हो जाता था, वो खेत बंजर हो जाता था, अपना फर्टिलाइजेशन खो देता था, बंजर हो जाता था। तो ये खेत बंजर, अब अगले साल इसका 1/3, इसका 1/3, तो फिर वन डे विल सून कम ना, जब सभी एग्रीकल्चर फील्ड, खेती योग्य भूमि बर्बाद हो जाते। तो इस कुप्रथा के खिलाफ राजकुमार शुक्ला जी ने बिहार के चंपारण में आंदोलन शुरू किया, और उसको, चूंकि तीन कट्ठे पे खेती होती थी,
इसलिए उसको क्या बोला गया, तिनकठिया आंदोलन, और उसके खिलाफ राजकुमार, राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे, इनविटेशन पे गांधी जी उसमें बड़े व्यक्तित्व धीरे धीरे होना शुरू हो गए थे। तो 1917 में चंपारण कौन पहुंचे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, बिल्कुल दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी कहां पहुंच गए थे, अब राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पे पहुंचे थे चंपारण, और चंपारण जाकर के इन्होंने अपने सबसे प्रमुख हथियार सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, एक बार सीजीएल ने पूछा था दोस्तों कि सत्याग्रह क्या है, सत्य के ऊपर अडिग रहते हुए विनम्रता पूर्वक अपनी बात को कहना, दैट इज सत्याग्रह। ये नहीं कि हिंसा कर दें, अपनी विनम्रता को छोड़ दें, ये सत्याग्रह के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। तो गांधी जी ने चंपारण में भारत में सबसे पहली बार क्या किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों यदि ये पूछ दे कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कब किया, तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 1907-8 में। लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, यहां मैं भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया, चंपारण आंदोलन, और यह आंदोलन किसने शुरू किया था, राजकुमार शुक्ला ने, कब हुआ था, 1917 में। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तिनकठिया आंदोलन जानते हैं, एक का फैक्ट तैयार हो गया होगा आपको। तो यह पहला आंदोलन था दोस्तों। उसके बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन देखिए, अब इसे मिटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, यह पहला आंदोलन। अब जरा दूसरा आंदोलन, आज मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और उसके फैक्ट्स की बात कर दूंगा दोस्तों। तो यह रहा पहला, और इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब जरा दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा आंदोलन जो गांधी जी ने किया था। एक्चुअली गांधी जी थे गुजरात के, गुजरात में प्लेस है अहमदाबाद, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में किया था। तो लिख दे रहा हूं अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल समझते हैं ना, आलू मिल, गन्ना मिल, समझ रहे हो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद आंदोलन, ये हुआ था दोस्तों 1918 में। एक्चुअली अहमदाबाद में क्या हुआ था दोस्तों, रोग फैल गया था, प्लेग रोग फैल गया था, तो मिल के मजदूर जो थे मिल के मालिकों से कुछ ज़्यादा बोनस मांग रहे थे, कह रहे थे कि भैया 24% बोनस तो हम लोग को हर साल मिलता है, लेकिन इस बार बीमारी फैल गई है, पैसे की कमी हो गई है, तो मिल मालिकों ऐसा करो कि हमें कुछ ज़्यादा बोनस दे दो। अब मिल मालिक देने को तैयार नहीं थे, तब गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और अपने मजदूरों के समर्थन में उन्होंने हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, और ये पहला आंदोलन था दोस्तों गांधी जी का जिसमें वो अनशन पे रहे, मतलब भूखे प्यासे रहे। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि गांधी जी का प्रथम अनशन पर किया गया आंदोलन कौन सा था, तो दोस्तों कौन सा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इस 34% के बोनस को 24, गांधी जी ने कितने प्रतिशत करवा दिया था, 35% करवा दिया था, 24% के बोनस को क्या करवा दिया था दोस्तों, 35%, और मिल मजदूरों को के आगे मिल मालिकों को झुकना पड़ा था। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, बस जुड़े रहना, 5-6 प्रमुख आंदोलन है, बहुत जल्द खत्म होंगे, आपको भी आज आजाद कर दिया जाएगा, जाइए आनंद लीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ, मूल काम के साथ। तो 24% से कितना कर दिया, 35% कर दिया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम अनशन वाला आंदोलन कौन था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। इसी वर्ष दोस्तों एक और आंदोलन हुआ और इसी गुजरात में हुआ, और उस आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों, तो पहला हम लोग पढ़े चंपारण या तिनकठिया आंदोलन, दूसरा हम लोग पढ़े अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों खेड़ा। खेड़ा एक गांव का नाम है दोस्तों गुजरात में, और वहां देखो क्या समस्या फंसी थी खेड़ा गुजरात में, खेड़ा गुजरात, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कह दें, कुछ किताब में चाहे सत्याग्रह लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, चाहे आपको आंदोलन लिखा हुआ मिल जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह या फिर खेड़ा आंदोलन, ये हुआ था दोस्तों 1918 में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1918 में। यहाँ देखो क्या समस्या थी, खेड़ा जो कि गुजरात का एक गांव था, यहाँ पे दोस्तों सूखा पड़ा हुआ था, सूखे की वजह से किसान, छोटे किसान और बड़े भी परेशान थे, लगान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने मजबूर किया कि नहीं हमें लगान तो चाहिए। तब गांधी जी यहाँ पहुँचे और बोले कोई कर नहीं देना होगा, और इसी में तब गांधी जी ने एक नारा दिया, कर नहीं, गांधी जी ने नारा क्या दिया दोस्तों, नारा क्या दिया था, कर नहीं, गांधी जी ने किसानों की तरफ से नारा दिया कर नहीं। यही वजह है दोस्तों कि खेड़ा सत्याग्रह को हम सम टाइम रेफर एज कर नहीं आंदोलन भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं दोस्तों, कर नहीं आंदोलन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, कर नहीं, कि भैया सूखा पड़ा है क्या कर दें,
हालांकि बाद में अंग्रेजों और गांधी जी के बीच बातचीत हुई और गांधी जी जब अंग्रेजों से बात किए तो अंग्रेजों को मानना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा कि जो बड़े किसान हैं वो आधा कर दे दें और छोटे किसानों को टैक्स फ्री किया जाता है, लगान फ्री किया जाता है। तो इस तरीके से 1918 का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन या गांधी जी द्वारा दिया गया नारा इसी में कर नहीं, कौन से नाम से फेमस हुआ, कर नहीं आंदोलन। क्लियर है मेरे दोस्तों? बिल्कुल। अच्छा, जैसे पहला आंदोलन कौन, देखो बार बार दोहराते रहो, चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी या तीन कठिया, दूसरा 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसमें बोनस हुआ 24 से 35%, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर नहीं आंदोलन। ध्यान रखना इसे हम किस नाम से जानते हैं, कर नहीं आंदोलन। और ये जो अहमदाबाद था वो गांधी जी का प्रथम अनशन पे किया गया आंदोलन था। अगर पूछे गांधी जी के जीवन का प्रथम किसान आंदोलन तो गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों, आपके लिए खेड़ा सत्याग्रह। कुछ लोग कहेंगे सर चंपारण नहीं, भैया चंपारण आंदोलन राजकुमार शुक्ला जी ने शुरू किया था, कई बार पूछा है, उसमें गांधी जी इन्वाइटेड थे, उनके कहने पर गए थे, लेकिन खेड़ा आंदोलन तो खुद गांधी जी। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों 1920 में एक दूसरा आंदोलन, तो हम लोग तीन आंदोलन पढ़ लिए दोस्तों, अब जरा एक अगले आंदोलन में आ जाओ। और अगला आंदोलन कौन सा है दोस्तों वो देखो, चूंकि आज गांधी जी स्पेशल है भाई तो चलेगा। 1920 ईस्वी ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब जरा देखना असहयोग आंदोलन में क्या है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो देखना पड़ेगा वो ये तो आप जानते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारतीय लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा इनिशिएटेड किया गया था और ये चला कब तक, 1922 तक। और ये बंद किसकी वजह से हुआ 1922 ईस्वी में, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से। तो ये गांधी जी के जीवन का यहाँ पे चौथा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 जिसमें गांधी जी ने स्टार्ट किया और बड़े स्तर पे हिंदू मुसलमान एकता के लिए असहयोग आंदोलन जाना जाता है। और इस आंदोलन के क्रांति के प्रथम दिन ही आपके बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के पहले दिन ही किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का देहांत हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। और 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन क्या हुआ, बंद हुआ। तो ये हम लोग चौथा पढ़े दोस्तों। अब जरा आ जाओ पांचवा, देखो गांधी जी का पांचवा आंदोलन कौन सा है दोस्तों, पांचवा आंदोलन जो दोस्तों इनका रहा वो है इनका पांचवा आंदोलन। पांचवा आंदोलन इन्होंने किया दोस्तों 1930 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं नमक आंदोलन, नमक मूवमेंट या नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन, आप जो इसको नाम दें, अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से लिखा हुआ नमक आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहां से कहां तक की यात्रा की थी, साबरमती आश्रम जो गांधी जी का निवास स्थान भी माना गया, साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर के दांडी तक की यात्रा तय की थी अपने कुछ प्रमुख अनुयायियों को लेकर के। अब ये 29 मार्च को शुरू हुआ दोस्तों और 5 अप्रैल तक चला 1930 ईस्वी में। और जैसे ही 5 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि अंग्रेज नमक पे भी टैक्स लगा रहे थे, तो गांधी जी ने कहा जो नेचुरल है, जो समुद्र हमें दे रहा है, हमारे देश में रहा, उस पर क्या टैक्स लगा रहे हो तुम लोग। तो खैर नमक आंदोलन, या फिर इसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक आंदोलन, या फिर हम इसे इस और किस नाम के नाम से जानते हैं दोस्तों, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च या नमक आंदोलन 1900, जैसे ही 5 अप्रैल 1930 को ये बंद हुआ दोस्तों, 1930 में ही गांधी जी ने दूसरा आंदोलन छेड़ दिया, एंड दैट इज व्हाट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जरा देखना दोस्तों, समझना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरेस्ट अपना हटाना नहीं है कि अरे वो देख लेना, इन्हीं आंदोलन इन्हीं फैक्ट्स में से एक नंबर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, उससे उत्साह थोड़ा बढ़ा रहता है। और अपने कमेंट बॉक्स में जुड़े रहें, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें कहना है, गांधी जी को विश करना है, लाल बहादुर शास्त्री जी को विश करना है, जरूर विश करिए, क्योंकि ये भारत के दो महान विभूतियाँ हैं दोस्त। तो 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये गोलमेज सम्मेलन फिर इसी समय फर्स्ट सेकंड थर्ड चला, लेकिन उसकी चर्चा मॉडर्न इंडिया में। तो 1930, अब हम लोग गांधी जी के 6 आंदोलन कर चुके हैं। उसके बाद आ जाओ दोस्तों जरा अगला आंदोलन, अगला आंदोलन जो गांधी जी ने किया था दोस्तों वो किया था 1940 ईस्वी में। और 1940 ईस्वी में जो इन्होंने किया था दोस्तों वो क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था गांधी जी के द्वारा, किया गया था 1940 में। इसे पावरनार सत्याग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पावरनार नामक जगह पे हुआ था। पावरनार आंदोलन या पावरनार सत्याग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों या इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसी में नारा दिया गया था दिल्ली चलो। इसको और किस नाम से हम जानते हैं दोस्तों? दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? ये गांधी जी के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था गांधी जी के द्वारा 1940 में। इसमें आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। कुल तीन सत्याग्रही हुए थे और गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, पावरनार सत्याग्रह, चूंकि पावरनार नामक जगह पे हुआ था, इसमें पूरा देश नहीं शामिल था दोस्तों। गांधी जी और उनके तीन अनुयायी आचार्य विनोबा भावे प्रथम अनुयायी और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो शामिल हुए और इस आंदोलन को और क्या नाम दिया गया? दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, भूलना नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्त? अब चलिए अगला आंदोलन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आंदोलन देखिएगा, मैंने कहा था आज का लेक्चर छोटा होगा लेकिन शानदार होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? गांधी जी के आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधी जी के आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर स्टूडेंट, जरा लास्ट आंदोलन देख लेना 1900। इसके बाद अभी और बहुत सारे फैक्ट्स गांधी जी के बारे में बताऊंगा। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? इन्होंने कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी ने शुरू किया। और ये जो आंदोलन था दोस्तों, इसी में गांधी जी ने क्या नारा दिया? करो या मरो, डू आर डाई, करो या मरो। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया क्या था दोस्तों? नारा था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी में दिया, डू आर डाई का नारा दिया। क्लियर है दोस्तों? अब देखो यहां तो गांधी जी के सारे, अब चलो जरा एक बार में दोस्तों सारे आंदोलन इनके एक बार में लिख दिया जाए कि गांधी जी के सारे आंदोलन। तो सबसे पहले लिख दिया जाए 1917 वाला, 1917 चंपारण या तीनकठिया आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 1917 चंपारण आंदोलन, ठीक है आंदोलन। उसके बाद दोस्तों दूसरा आ जाओ 1918, ये दोस्तों कर दिया जाए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। दोहराना जरूरी है, एक बात याद रखना, दोहराना बहुत जरूरी है, अहमदाबाद आंदोलन या मिल स्ट्राइक। फिर 1918 दोस्तों अब की बात खेड़ा आंदोलन कर देते हैं, खेड़ा आंदोलन, ठीक है दोस्तों खेड़ा आंदोलन। फिर दोस्तों 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। फिर दोस्तों 1930 ईस्वी नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह, नमक, ठीक है दोस्तों नमक आंदोलन, आई होप आपको अभी दिख रहा होगा। फिर दोस्तों 1930 ईस्वी में ही कौन सा आंदोलन दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दिख रहा है ना दोस्तों? और उसके बाद दोस्तों एक और यही लिख दूं, 1940 में कौन सा दोस्तों? 1940 में इनके द्वारा किया गया पावरनार आंदोलन या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पावरनार लिख दे रहा हूं, आपको पता है कि इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं, पावरनार आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? और एक और आंदोलन है 1942, तो 1942 वाला भी यहां जगह है, बस आपको थोड़ा नीचे जाके स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही लिख दे रहा हूं ताकि सीक्वेंस मेंटेन हो जाए यार, बस इसलिए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन दिख तो रहा है, जरा मैं बोर्ड को देख लूं, बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो ये गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन थे। अब जरा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें लिख दूं, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक जो गांधी जी लिखे। तो गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में देखो हिंद स्वराज, एक जगह सब कर लेना, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, हिंद स्वराज, अर्ली लाइफ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद नव जीवन, ये सब गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, नव जीवन, हिंद स्वराज। उसके अलावा हरिजन पुस्तक कौन कौन सी है? हिंद स्वराज, अर्ली लाइफ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नव जीवन, हरिजन। और उसके अलावा दोस्तों इन्होंने लिखा था कि यंग इंडिया, एक इनकी बुक थी यंग इंडिया,
ये इनकी कुछ प्रमुख किताबें, हिंद स्वराज, अर्ली लाइफ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नव जीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये कुछ प्रयोग और ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। ये इनके क्या है दोस्तों? प्रमुख आंदोलन। कम से कम यार छुट्टी है तो क्या हो। और ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? गांधी जी। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपने प्रिय राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। क्लियर है दोस्तों? हालांकि आई होप आपको शायद गांधी जी लिखा हुआ ऊपर ना दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अभी हमारे कंप्यूटर महोदय ने बताया कि सर गांधी जी हमारे स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, अब तो जरूर दिख रहा होगा, मुझे विश्वास है। हाँ भैया, अब दिख रहा होगा। क्लियर है? तो थैंक यू कंप्यूटर जी बताने के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, अब तो ये ध्यान रहेगा दोस्तों। तो माई डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी के ऊपर हम लोगों ने आज देखा कि प्रमुख आंदोलन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? उनके प्रमुख पुस्तकें देखा। एक दो मिनट और लूंगा आपका। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की हुई थी, उसके अलावा 1893 अब्दुल्ला एंड कंपनी के कुछ मुकदमे के सिलसिले में ये पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ इन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ा और उसके बाद उसको बहुत ही सक्सेसफुल किया। उसके बाद इन्होंने, गांधी जी ने लंदन में एक हॉस्पिटल की स्थापना की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, उसके लिए इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। और इस कैसर ए हिंद के उपाधि को, जो इंग्लैंड के महारानी की तरफ से मिली थी, गांधी जी ने कब छोड़ दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय छोड़ दिया। गांधी जी के जो पर्सनल सचिव हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम क्या हुआ करता था? भूला भाई देसाई हुआ करता था। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो प्रमुख हथियार हुआ करते थे। और हाँ, हम चाहे जो कुछ भी कर लें, हम गांधी जी के किए गए योगदानों को अपने जीवन से कभी नहीं भुला सकते, इस बात को याद रखिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी एक नाम नहीं यार, एक विश्वास है भारत के लिए। हम लोग के प्राउड हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो साथ ही साथ आज का लेक्चर जो रहा, गांधी जी के सिर्फ प्रमुख आंदोलन के बारे में रहा और गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में रहा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपका एक या दो नंबर मॉडर्न इंडिया से जब भी आता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्लियर रहेगा ना दोस्तों? आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। जाइए, अपने डे को, अपने नाइट को एंजॉय करिए, स्टडी करिए, करियर बनाइए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।